ओनली फैंस पैसे कमाने का शॉर्ट तरीका, बस सुबह उठो और अपनी 4 से 5 एक्सक्लूसिव फोटोज या वीडियोस अपलोड करो, बस काम खत्म। इस गर्ल मॉडल ने ओनली फैंस का यूज करके सिर्फ 1 साल में 250 करोड़ रुपए अर्न कर लिए। ओनली फैंस जिसको टीम स्टोकली ने 2016 में लॉन्च किया, इसने फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को मिलीनियर बना दिया है। बट ऐसी चीज को मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ेगी, जबकि मार्केट में पहले से ही बहुत सारी जैसी साइट्स अवेलेबल हैं। जितनी भी अडल्ट साइट्स थी उनका बिजनेस एड्स रन करके चलता था और इन साइट्स का कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था, इसलिए जो पोर्न स्टार थे उन्हें सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा मिलने लगा। एंड यहां पर टिम स्टोकली को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए टिम स्टोकली ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दी कस्टम फॉर यू के नाम से अपने फादर के साथ, जिस वेबसाइट पर कोई भी रैंडम पीपल अपने फेवरेट क्रिएटर को कुछ अमाउंट पे करके अपनी फेवरेट वीडियोस देख सकता था। यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था क्योंकि इस पर कोई अडल्ट कंटेंट सेल नहीं हो रहा था। इसी रीजन की वजह से ये वेबसाइट कुछ खास रन नहीं कर रही थी। 2015 में स्नैपचैट ने एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम स्नैप कैश था, जिससे यूजर्स अपने फेवरेट क्रिएटर को पैसा पे कर पाए स्नैपचैट टू स्नैपचैट। बट कंटेंट क्रिएटर इस सब का मिस यूज करने लगे, वो लोग यहाँ पर यूजर्स को अडल्ट कंटेंट सेल करने लगे। बट ये सब स्नैपचैट के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट था। इस सब पर स्नैपचैट ने भी एक्शन लिया और बहुत से कंटेंट क्रिएटर को पनिशमेंट भी दी गई। एंड यहाँ पर टिम स्टोकली की दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा गंदा कर दिया। फिर लॉन्च किया गया ओनली फैंस को, जहां पर आप अपने फेवरेट क्रिएटर को कुछ पैसा पे करके जैसा चाहे वैसा कंटेंट निकलवा सकते हो। एंड इसका बिजनेस मॉडल भी काफी इजी था, 20% ओनली फैंस रखेगा, बाकी का 18% क्रिएटर को दे दिया जाएगा। इसके अलावा फैंस एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे $1 से लेकर $15 तक, इसका डिसाइड भी कंटेंट क्रिएटर ही करेगा। एंड ये फीस भी उन्हें मंथली बेसिस पर पे करनी होगी। ब्लैक चाइना जो कि एक ओनली फैंस मॉडल है, इन्होंने अपनी 2021 की कमाई से सुंदर चाहे गूगल के सीईओ को भी पीछे छोड़ दिया। दिस इज मैडनेस, $20 million अर्न किए ओनली 1 ईयर में, $5.1 US अर्न किए ओनली फैन ने 2022 में। इसके अलावा 3 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स एंड डेली बेसिस पर 5 लाख न्यू यूजर्स ओनली फैंस को ज्वाइन करते हैं। 220 मिलियन व्यूज हर साल ओनली फैंस की वेबसाइट पर आते हैं। एंड यहाँ पर 1% ऐसे क्रिएटर हैं जिन पर 33% अमाउंट स्पेंड किया जाता है। गंदे कामों में पैसा बहुत है, ये सब देखकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस पर अपना अकाउंट बना लिया। इसके टॉप 10 अकाउंट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हैं, ब्लैक चाइना, बेला थ्रोन, टिकी कार्डी एंड मिया खलीफा। ये सभी गर्ल्स मॉडल एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं, बड़े बड़े घर, लग्जरी कार्स और बहुत सारा पैसा। लुक एट दिस फोटो, ये एक ओनली फैंस मॉडल है जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती है। बट ऐसा हमको लगता है रियलिटी इससे कोसों दूर है। वो कहते हैं ना कि हर चीज का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता, पैसे से आप बेड खरीद सकते हो पर नींद नहीं। लोग इन लड़कियों पर लाखों रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों का एंड हो रहा है। बिकॉज लड़के अंधे हो चुके हैं अडल्ट कंटेंट देखने के लिए, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि धीरे धीरे उनका बैंक बैलेंस खत्म होता जा रहा है और फिजिकली और मेंटली वो दोनों तरह से वीक हो चुके हैं। गर्ल्स मॉडल जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट के बदले हजारों में चार्ज कर रही हैं, ये उनका एक बिजनेस बन चुका है। इंडियन इंस्टाग्राम मॉडल्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो ओनली फन के बिना भी लाखों रुपए अर्न कर रही हैं। पेड कोलैबोरेशन के नाम पर ये अपनी कुछ प्राइवेट सर्विस ऑफर करती हैं, जिसके लिए ये हजारों में रुपए चार्ज करती हैं। वॉइस कॉल के लिए 1,999 रुपीज। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सर्विस हैं जिन्हें ये प्रोवाइड करती हैं। माई प्राइवेट पिक्स 9,999 रुपीज। अगर मैंने उस मॉडल का यहाँ पर इंस्टाग्राम दिखा दिया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उस इंस्टाग्राम को दिखा नहीं रहा हूँ। लड़के इन सब चीजों पर दवा के रुपए स्पेंड कर रहे हैं ओनली उन 1% क्रिएटर्स को देखने के लिए। अब ओनली फैंस पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन यूजर्स का ही लॉस हो रहा हो, मॉडल्स का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हमें सिर्फ ऊपर से ऐसा दिखता है कि ये बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोसाइटी में उनकी कुछ वैल्यू रही नहीं गई है, सिर्फ 4 दीवारों तक जहां पर वो और उनका मोबाइल या फिर सिर्फ लैपटॉप है। बैंक बैलेंस में पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। आप इन लोगों के कभी कमेंट्स खोलकर पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि इन्हें लोग कैसे नजरिए से देखते हैं। सोसाइटी में इन मॉडल्स की काफी बैड इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और अकेली रह जाती हैं। अगर लोग इनके पास आते भी हैं तो वो सिर्फ अपना काम निकलवाने। इन मॉडल्स को कोई ट्रू लव वाली फीलिंग नहीं देता। आपको कैसा लगेगा जब आपके फैमिली रिलेटिव्स आपसे हेट करने लगे? कोई भी आपको ट्रू लव या सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसी रीजन से काफी सारी मॉडल्स ने अपने आप को एंड करने का भी सोचा है। It's hard to explain the feeling of hopelessness where you just want to kill yourself. I didn't shower, I didn't brush my teeth, didn't eat, didn't leave my bed. Over the past few months, I've become really unhappy. I wish that people would treat me how
how they would treat a married registered nurse. एंड यहाँ पर 1% मॉडल्स ही ऐसी हैं जो एक्चुअल में पैसा अर्न कर रही हैं, बाकी की मॉडल्स तो जब अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करें तब 10 to $50 ही अर्न कर पाती हैं। इसी सब रीजन की वजह से सनी लियोनी ने इस इंडस्ट्री को क्विट किया था। जब 3 फ्रेंड्स मिलकर अपने एक फ्रेंड को परेशान करने लगते हैं उसकी मदर की कुछ प्राइवेट पिक दिखाकर, लेकिन वो बच्चा इस सब चीज से बिल्कुल अनजान होता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड जब वो अपनी मदर से इस सब के बारे में पूछता है तो उसको पता लगता है कि ओनली फैंस पर उसकी मदर का भी एक अकाउंट था। इस वजह से वो बच्चा अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश करता है। बाकी का आप लोग समझदार हो कि इनकी आने वाली जनरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उनको पता लगेगा कि हमारी मदर्स कुछ ऐसा काम करती थी। एंड आप लोग हमारा ये डिक्टेटर वाला भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, इसमें हमने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। एंड गाइस हमें सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप में से 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।